नमस्कार, नेशनल वॉइस में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं गौरव श्रीवास्तव। यूपी में गृह विभाग का अजब हाल देखने को मिला है। ट्रैफिक की बदहाल व्यवस्था से नाराज मुख्यमंत्री ने एडीजी ट्रैफिक एम.के. बशाल को हटाने का आदेश दिया था। आदेश के बाद भी एडीजी ट्रैफिक एम.के. बशाल हटाए नहीं गए, बल्कि उनका अधिकार बढ़ा दिया गया। नए मिले अधिकार में यह तय हुआ है कि एडीजी ट्रैफिक एम.के. बशाल अब एएसपी और डीएसपी ट्रैफिक की सीआर लिख सकेंगे। इसके अलावा एडीजी ट्रैफिक को ही वार्षिक गोपनीय रिपोर्ट बनाने का भी अधिकार दे दिया गया है। इस पूरे प्रकरण में जब सरकार की छीछा लेदर होने लगी कि मुख्यमंत्री जिस अधिकारी को हटाने का आदेश देते हैं, गृह विभाग उसका अधिकार और बढ़ा देता है, तब आनन फानन में आज एडीजी ट्रैफिक एम.के. बशाल को हटा दिया गया है। सवाल है कि क्या यूपी में उच्च स्तर पर सीएम और अधिकारियों के बीच समन्वय नहीं है, या फिर सीएम को जानकारी नहीं दी गई है कि एडीजी यातायात का अधिकार क्षेत्र क्या है। ये दोनों ही स्थितियां बेहतर नहीं इन्हें कहा जा सकता। इसी पर आज हम चर्चा करेंगे। तो तमाम बातें इसमें निकल कर सामने आ रही हैं। ऐसे में हर पहलुओं पर हम चर्चा करेंगे। ऐसे में हमारे साथ एक खास पैनल भी जुड़ा हुआ है। आपका सबसे पहले उनसे आपका तारुफ करा देते हैं। हमारे साथ बीजेपी से जयप्रकाश पांडे हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है नेशनल वॉइस में। और हमारे साथ पूर्व डीजी सुब्रत त्रिपाठी जी हैं। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है नेशनल वॉइस में। सबसे पहले जयप्रकाश पांडे जी, मैं आपके पास आऊंगा। मेरा सवाल आपसे है, सीएम की फटकार एडीजी ट्रैफिक के लिए क्या आशीर्वाद में तब्दील हो गई है? नहीं, देखिए गौरव जी, जहाँ तक सीएम की फटकार है तो इस पे जो ये कहा जा रहा है कि उनके कुछ अधिकार बढ़ाए गए हैं, तो अधिकार उस व्यक्तिगत उनके नहीं बढ़ाए गए हैं। वो एक लंबी प्रक्रिया होती है। प्रमुख सचिव या फिर किसी विभागाध्यक्ष के अधिकार बढ़ाना निश्चित रूप से कैबिनेट के चैनल से फिर नीचे शासन सचिवालय स्तर पे जाता है। वो पहले निर्णय ले लिया गया था, तो वो अधिकार आने वाले व्यक्ति के लिए भी रहेंगे। वो एक अलग इशू है। हाँ, इनकी फटकार के बाद निश्चित आपकी खबर में ही दिखाया गया है कि इनको मुअत्तल कर दिया। ये मतलब अब आज के डेट में नहीं है, तो इसमें निश्चित अंतर करने लायक है। चूंकि अगर प्रशासन की कार्यकुशलता उस अधिकार से बढ़ती होगी, वो तार्किक होगा, तब बढ़ाया गया है। इनको ऐसा नहीं है कि इनके अधिकार क्षेत्र में व्यक्तिगत कोई कंडीशनल पावर इनको दे दी गई है, ऐसा नहीं। नहीं, ऐसे में तो मखौल क्यों उड़ाया गया? आखिर गृह विभाग की तरफ से इस तरह का मखौल क्यों उड़ाया गया? 3 दिन लग गए इस बात को करने के लिए। अगर मुख्यमंत्री कोई आदेश देते हैं तो उसका पालन होने में 3 दिन लगता है। नहीं, 3 दिन नहीं लगता है। वो तो निश्चित रूप से अभी स्पष्ट हो जाएगा कि किस कारण से लेट हुआ है। कोई अगर शासन की कोई नियमावली या कोई ऐसी समस्या रही है। पहले मुख्यमंत्री अगर कोई आदेश देते हैं, उसके बाद जो कार्रवाई होनी चाहिए वो नहीं होती, अधिकार को और बढ़ा दिया जाता है। उसके बाद में हटा दिया जाता है। अभी डीजी साहब बैठे, वो भी बताएंगे कि ये इस व्यक्ति विशेष का अधिकार नहीं बढ़ाया गया, वो पद का है। उस पद पे ये रहेंगे, इसके बाद जो भी आएगा। और पद पे जो अधिकार क्षेत्र बढ़ाया जाता है वो शासन के निर्णय लिए जाते हैं, बकायदा कैबिनेट माननीय मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में रहा होगा। ये टाइमिंग जरूर है कि मुख्यमंत्री जी ने उनको हटाया और उसी समय ये आ गया, लेकिन इसका उससे लेना देना ही नहीं है। माननीय मुख्यमंत्री जी का आदेश का पालन हुआ है। नहीं, जिस तरह से मुख्यमंत्री की जो शिकायतें रही हैं ट्रैफिक व्यवस्था को लेकर, क्योंकि ज्यादातर ये छुट्टी पर ही रहते थे, इस तरह की बात भी सामने आई। और इससे कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री को भी लगा कि इस तरह की दिक्कतें देखने को मिल रही है। ट्रैफिक व्यवस्था की बात की जाए तो राजधानी लखनऊ छोड़ दीजिए, वाराणसी चले जाइए, कानपुर चले जाइए, गाजियाबाद चले जाइए। उत्तर प्रदेश के तमाम ऐसे जिले हैं जिसमें ट्रैफिक व्यवस्था चाक चौबंद होनी चाहिए, लेकिन दुरुस्त होनी चाहिए, लेकिन बावजूद उसके नहीं हो पाई, जिसको लेकर मुख्यमंत्री ने पूरा संज्ञान लिया और उसके बाद ये फटकार लगाई। तो फटकार आशीर्वाद में अगर बदली जाती है तो कहीं ना कहीं सवाल उठने तो लाजमी है ना सर? इससे मैं सहमत हूं आपसे। ट्रैफिक व्यवस्था निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश लखनऊ हो या कहीं भी 10 लाख से ऊपर के जितने भी हमारे नगर हैं वहां सही नहीं है। और जाहिर सी बात है कि इसी की प्रतिक्रिया में माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक्शन लिया है। तो मुख्यमंत्री जी ने तो संज्ञान में लिया ही है। अगर कोई अधिकारी कोताही कर रहा है, उसकी कार्यकुशलता सार्वजनिक नहीं दिख रही, जनता महसूस ये भी देखने को मिला है पांडे जी। इस सरकार के कार्यकाल में यह भी देखने को मिल रहा है कि अधिकारी भी अपनी जो बात है, जो अपने उनका कर्तव्य उसका सही तरीके से पालन नहीं कर रहे हैं। जरूरत से ज्यादा छुट्टी लेने की बात आ रही है, इसीलिए कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री ने यह संज्ञान लिया और उसके बाद यह तुरंत एक्शन लिया। एक्शन लेने के बाद जो प्रक्रिया 3 दिन लगती है, उस प्रक्रिया पर सवाल उठना लाजमी है कि अगर मुख्यमंत्री के निर्देश का पालन नहीं हो रहा है तो और किसके निर्देश का पालन हो सकता है इस उत्तर प्रदेश में? कैसा माना जाए कि कितनी अलर्ट है यहाँ की पुलिस? नहीं, देखिए, जहां तक यह है कि अधिकारी लापरवाही करेंगे, राजनीतिक जो नेतृत्व होता है, राजनीतिक कार्यपालिका से ही अच्छाई और बुराई दोनों का संक्रमण फैलता है। ये आप जानते हैं कि आदरणीय योगी जी 18 घंटा काम करते हैं। सादगी उनकी ऐसी है कि वो खुद अपना कपड़ा साफ करते हैं। तो इनकी जो 5 सितारा संस्कृति थी उस पर अंकुश हमने लगा दिया है। और निश्चित रूप से सबको कार्य करने की बाध्यता है। जो लापरवाह लोग हैं वो ऐसे ही चलताऊ किए जाएंगे, उन्हें बाहर किया जाएगा। हाँ, ये सवाल आपका है कि माननीय मुख्यमंत्री जी के आदेश को अगर 3 दिन लग गया है तो उसमें निश्चित रूप से जल्दी ही शीर्ष स्तर का हमारा जो नेतृत्व है वो चीजें समझने के बाद वो भी एक्शन लेगा। ठीक है, कोई रियायत नहीं दी जाएगी किसी लाभ। पूर्व डीजी साहब हमारे साथ सुब्रत त्रिपाठी जी जुड़े हुए हैं। सर, आपसे जानना चाहेंगे क्या 3 दिन का वक्त ज्यादा है या कम? आपके हिसाब से आपको क्या लगता है? देखिए, प्रश्न ये है कि ओवरऑल पर्सपेक्टिव में दिखाता जिस गत से सरकार के अन्य निर्णय लागू हो रहे हैं उसमें भी लगभग इतना ही टाइम लग रहा है। एक जमाना था और वह जमाना केवल मायावती जी का था, जबकि मुंह से निर्णय निकलाने की लागू जाता था। इसके अलावा आईएएस अफसर ने जब से 40 साल की नौकरी में मैंने नहीं समझा कि मायावती जी को छोड़कर किसी दूसरे के कार्यकाल में आईएएस कैडर ने अपने को नौकर समझा हो। वह सुपर मालिक अपने को समझता है। केवल एक कार्यकाल में उसे गुलामी महसूस होती थी। इस सरकार में भी आपको ये देखने को मिल रहा है। बाकी उनमें क्या अच्छाइयाँ बुराइयाँ थी जी, वरना जिसका भी आदेश होता है, जो भी आदेश होता है, इसको लाल फीताशाही कहते हैं। बहुत दिन से कांग्रेसी राज जमाने से आरोप लगता रहा है, रेड टेपिज्म जिसको आप अंग्रेजी में कहते हैं, कि जो आदेश होता है हर मुख्यमंत्री को, हर प्रधानमंत्री को, हर मंत्री को सचिवालय फेल कर देता है। कार्यकर्ता मंत्री जो आदेश करते हैं उसको लागू होने में महीनों लग जाते हैं। अभी तक जब मैं रिटायर हुआ तब तक नारायण दत्त तिवारी जी के टाइम के आदेश की जाँचें सचिवालय के फाइलों से होती हुई आवश्यक कार्रवाई के लिए उनके आदेश पहुंचते थे। इससे अंदाज लगा सकते हैं कि वहाँ की क्या स्पीड होती थी। लेकिन मेन बात यह है, जिस किसी ने भी पद सृजित किया उसको एडीजी ट्रैफिक को पावर्स देनी चाहिए थी। एडीजी ट्रैफिक के पास उतनी भी पावर नहीं है जितनी कि एसपी ट्रैफिक के पास है। ही वाज ए टोटली पावरलेस मैन। जिस किसी के टाइम में यह पद सृजित हुआ है, प्लस उसके बाद जितने भी प्रमुख सचिव गृह, मुख्यमंत्री, मुख्य सचिव, प्रधान मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव रहे हैं, सबको ये देखना चाहिए था कि भाई इस आदमी की, इस मासूम बच्चे की जिम्मेदारी क्या होगी अगर इसको कोई पावर ही न दी गई हो। एक क्लास 2 अफसर तक का एसीआर लिखने की पावर अगर एडिशनल डीजी या डीजी रैंक के अफसर का न हो तो स्वाभाविक है कि उसको किसी चीज़ के लिए जवाबदेह कहना स्वयं में गलत काम है। ईमानदारी से देखा जाए तो एडीजी को हटाना ही गलत था और संभवतः इस गलती का एहसास गृह विभाग को हुआ होगा, इसलिए वो सकुचा रहा था हटाने में, लेकिन डर के मारे वह योगी जी से कह नहीं पाया होगा कि यह निर्जीव प्राणी है। लेकिन सर, ये भी तो देखिए किस तरह से परेशानियां बढ़ती जा रही थी, जिस तरह से ट्रैफिक व्यवस्था को लेकर। जी, मेरा सवाल वही आपसे कि ट्रैफिक व्यवस्था को लेकर सुचारू करने की जो कवायद थी वो कहीं ना कहीं पीछे होती नजर आ रही थी। ट्रैफिक व्यवस्था सही से हो नहीं पा रही थी। उसके बाद छुट्टियां ज्यादा ली जा रही थी, जिससे कहीं ना कहीं योगी आदित्यनाथ नाखुश नजर आए। तब उन्होंने यह फैसला लिया। तो ऐसे में गृह विभाग का जो हस्तक्षेप है वो क्या मुख्यमंत्री के पद से ऊपर होता है? क्या उतना हस्तक्षेप हो सकता है? ये मैं आपसे समझना चाहता हूँ। नहीं, मुख्यमंत्री सर्वे सर्वा है, उसको हस्तक्षेप नहीं कर सकते हम जी, क्योंकि ही इज द हेड ऑफ एग्जीक्यूटिव। उनको जनता के सामने जवाबदेह होना है। जनता उनको इसके आधार पर चुनेगी या हटाएगी। इसलिए मुख्यमंत्री के हस्तक्षेप को, जब तक कि उसके पीछे कोई गलत मोटिव ना हो, किसी भी मुख्यमंत्री के हस्तक्षेप को, प्रधानमंत्री के हस्तक्षेप को गलत नहीं कहा जाता है। और इसमें कोई, हाँ, उनको गलत इन्फॉर्मेशन दी गई, इसके लिए जिन अधिकारियों ने गलत इन्फॉर्मेशन दिया उनके द्वारा यह कदम गलत उठ गया, क्योंकि उनके सामने तथ्य सही ढंग से प्रस्तुत नहीं किए गए। बीच में उस गलती को गृह विभाग ने सुधारने का प्रयास किया कि भाई एक निर्जीव आदमी को हटाने न हटाने से फर्क क्या पड़ता है जब हमने इसको कोई पावर ही नहीं दे रखी है। यह बात उन्हें मुख्यमंत्री से, सचिवालय को स्वीकारनी चाहिए थी कि गलती शासन की है कि जिस आदमी को कोई ताकत दी ही नहीं गई है उसको हमारे इस ताकत दी गई होगी, इस भ्रम में आपने गलत हटा दिया। लेकिन यह तथ्य न बता करके। लेकिन सर, एडीजी ट्रैफिक है वो, और थे मतलब, लेकिन उसके बावजूद उनके पास एसपी ट्रैफिक जितनी पावर नहीं है। तो जिस तरह से प्रदेश में जो ट्रैफिक व्यवस्था बदल रही थी, जिस तरह से उसकी जो हालत थी, व्यवस्था उसकी खराब हो रही थी, उसको लेकर क्या वो कोई निर्देश नहीं दे सकते थे? क्या वो पूरा सुचारू रूप से उसको ठीक नहीं कर सकते थे? एडीजी ट्रैफिक को दोषी ठहराना वैसे ही है जैसे कि मान लीजिए लॉ एंड ऑर्डर व्यवस्था चरमरा जाए तो उसके लिए कोई गवर्नर साहब को दोषी ठहराने लगे। जब गवर्नर रूल नहीं है तो गवर्नर साहब के हाथ में एक सिपाही को बदलने की पावर नहीं है। तो सर ट्रैफिक व्यवस्था आखिर कौन दुरुस्त करेगा? अगर उनके पास ये सारा दुरुस्त करना कमान नहीं है तो कौन दुरुस्त करेगा? व्यवस्था दुरुस्त करना जो पिछली नियमावली थी उसमें जिले के एसपी का काम था, और जब ट्रैफिक की जांच, ट्रैफिक को दंड देना, ट्रैफिक को वार्षिक मंतव्य देना, एसपी सिटी, एसएसपी, डीआईजी, रेंज आईजी जोन, एडिशनल डीजी, लॉ एंड ऑर्डर डीजीपी, ये लोग दे रहे थे तो जिम्मेदारी उनकी थी। जिसके हाथ में दंड देने की ताकत हो उसी की जिम्मेदारी बनती है। एडीजी ट्रैफिक को गलत हटा दिया गया, जो 3 दिन बाद भी इसको नहीं हटाना चाहिए था। ठीक है, पांडे कमी योगी जी को, महाराज को बतानी चाहिए थी, शासन को, जो उनसे छिपा ली गई। जी, त्रिपाठी साहब कह रहे हैं पांडे जी कि गलत हटा दिया गया है, तो ऐसा आखिर क्यों किया है? अगर सरकार ने हटाया भी है तो एक प्रणाली होती है, जिस तरह से हम समझने की पूरी कोशिश कर रहे हैं और लगातार हमें पूरी बातें समझाई जा रही हैं कि क्यों, आखिर किसका दायित्व बनता है। तो एडीजी को हटाने का अगर क्या मतलब था, और अगर हटाया भी गया तो जिस तरह से 3 दिन का समय लगा वो कितना किफायती रहा, क्योंकि कहीं ना कहीं अवेलना भी देखी गई है मुख्यमंत्री के आदेश की। नहीं, ये मैं दोनों प्रश्न का आपका उत्तर देता हूँ। त्रिपाठी जी को मैं बड़े ध्यान से सुन रहा था। निश्चित रूप से इनके अधिकार कम थे। इसके पहले वाले सवाल में आपने कहा था कि इनको अधिकार बढ़ा दिया गया, अधिकार बढ़ा दिया गया, तो वो तो सरकार ने बढ़ाने का प्रयास प्रक्रिया शुरू कर दी है, तो ये एक ताकतवर पद हो जाएगा। लेकिन ये है कि ये आईएएस हैं, कोई संवैधानिक मुखिया नहीं है गवर्नर की तरह। इनके जो भी अधिकार थे, आदरणीय योगी जी खिन्न इसलिए थे, जैसा आप बता भी रहे हैं कि छुट्टियां आप पे चले जाते थे, तो निष्क्रियता ये इनकी जो थी वो नाकाबिले बर्दाश्त थी। और निश्चित रूप से बिना अधिकार के भी अगर पूरी मशीनरी को चाहते तो चार्ज करते, क्योंकि जो राष्ट्रपति, गवर्नर या इस तरह के अधिकार विहीन पद होते हैं वो अपनी निचली इकाइयों का को प्रेरणा स्रोत होते हैं। वो अगर पसीना बहाते तो नेचुरल है एनवायरमेंट बदलता। तो आदरणीय योगी जी अधिकार से भली भांति परिचित थे और उन्हीं के निर्णय को लागू किया गया है कि इनके अधिकार बढ़ाए गए हैं, प्रसादी इनको नहीं, उस पद को दी गई। लेकिन इस अधिकार के लिए तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को भी नहीं पता था, इसी वजह से तो पूरा विवाद है। ऐसा नहीं है, अधिकार बढ़ाने को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को इस मामले का संज्ञान नहीं था, ये बाद में हुआ। त्रिपाठी जी बैठे हैं, पूछ लीजिएगा। ये शीर्ष स्तर का निर्णय होता है, किसी की हैसियत नहीं है कि एडीजी ट्रैफिक का अधिकार बढ़ा दे बिना मुख्यमंत्री के संज्ञान के। तो आदरणीय मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में है और निश्चित रूप से वो एक बहुत ही कर्मशील। अगर उनका अधिकार बढ़ाया गया था तो बाद में 3 दिन बाद सस्पेंड क्यों किया गया? नहीं, मैं बता रहा हूँ कि इनकी जो कार्यशैली थी, निष्क्रियता थी, उससे आदरणीय योगी जी खिन्न थे। अधिकार से भली भांति परिचित थे और निश्चित रूप से आप शीर्ष पद पे हैं प्रदेश के, और ट्रैफिक व्यवस्था हर आदमी जानता है कि चरमरा रही है। उस पे उस अधिकार से भी ये मैसेज नहीं है। तो बहुत सारी चीजें रही है, लेकिन ट्रैफिक व्यवस्था की भी अगर हम बात करें तो हम, मैंने जैसे आपको जिले भी गिरा दिया कि हम सिर्फ लखनऊ की बात नहीं करते हैं, हम तमाम आसपास के जिलों की बात करते हैं, उत्तर प्रदेश के वो जिलों की बात करते हैं जहां पर कुछ दिनों में तमाम बड़ी चीजें होने वाली हैं। वाराणसी चले जाइए, बनारस का रुख कीजिए, कितनी वहां पर ट्रैफिक व्यवस्था चाक चौबंद होनी चाहिए, लेकिन वो नहीं है। वहां अव्यवस्थाएं देखने को मिलती हैं, जिस तरह से वहां पर काम चल रहा है, जिस तरह की दिक्कतें लोगों को वहां पर सामना, उन दिक्कतों का करना पड़ रहा है, वो भी देखने वाली बात है। लेकिन बावजूद इसके कार्यप्रणाली जो है, सवाल उसको लेकर है कि आखिर सरकार इस पर सख्त क्यों नहीं नजर आ रही है? सिर्फ क्या हटा देना या पद से तबादले कर देना सरकार क्या इसीलिए है? जहां तक हमारी आदरणीय योगी जी की सरकार का प्रश्न है, तो इनकी कार्यप्रणाली का मैसेज गया है। हमारी पुलिस जो है संगठित अपराध की कमर तोड़ दी है और जनता आज सुरक्षित महसूस कर रही है। सर, इसीलिए मामला सुप्रीम कोर्ट में भी है कि कई लोगों को, बेगुनाहों को भी उनका एनकाउंटर कर दिया गया, मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंच गया। लेकिन मैं सामान्य रूप से बता रहा हूँ, मैसेज गया। अब वो पहले वाला जंगल राज नहीं है, उसी के लिए तो आप जवाबदेही तलब कर ली है सुप्रीम कोर्ट ने। नहीं, देखिए पहले बातों के लिए सुप्रीम कोर्ट ने जवाबदेही भी तलब कर दी है और उसके लिए दे भी रहे हैं जवाब। देखिए पहले संगठित अपराध को राजनीतिक संरक्षण मिलता था और इस सरकार में संगठित अपराधियों के लिए कोई स्पेस ही नहीं। वो प्रदेश ग्राफ भी तो बढ़ गया निष्क्रिय। सर ग्राफ भी तो बढ़ गया। नहीं, ग्राफ तो वो दुनिया जानती है कि हमने ये अलाउ किया है कि आप आइए सहज रूप से एफआईआर लिखाइए। पहले एफआईआर लिखाना ही एक जटिल प्रक्रिया थी और निश्चित रूप से आप ये मान रहे हैं कि जब संगठित अपराध, अगर चले जाइए तो तहरीर सही से लिखी नहीं जाती है। जब हम लोग खबरें देखते हैं और खबरों का पूरा उसका जब हम लोग पढ़ते हैं तो समझ में आता है कि कई बार ऐसा होता है कि पुलिस प्रशासन ठीक से काम ही नहीं कर रहा। नहीं, तक वो निश्चित पहले 15 साल की एफआईआर तक नहीं लिखी जा रही है। पहले 15 साल की संस्कृति रही है, लेकिन अब ये उच्च स्तर से कहा गया है, तुलना में पिछली सरकार के एफआईआर सहजता से लिखा जा रहा है। और जब मूल संगठित अपराध इस प्रदेश में समानांतर सरकारें चलती थी, आप मीडिया के व्यक्ति हैं जानते हैं, तो उसको हमने खत्म कर दिया है। जो फुटकर अपराध हैं ये भी धीरे धीरे खत्म हो जाएंगे, क्योंकि इतना जल्दी लॉ एंड ऑर्डर की व्यवस्था है, इतना बड़ा प्रदेश है, पुलिस बल भी हमारे पास कम है और जो पुलिस भर्ती की गई पहले तो आपको सारी चीजें मिली थी, आज धीरे धीरे जैसे आपकी सरकार को दिन बीतते जा रहे हैं वैसे आपके पास चीजें जो है वो कम होती जा रही है। नहीं नहीं कम नहीं, हमने सही दिशा पकड़ ली है और जनता हमारे साथ है। अगर जनता साथ नहीं रहती तो ये जान लीजिए कि आदरणीय मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद लगातार चुनाव हुए हैं, 6 से 21 में हम पहुंचे हैं, तो जनता हमारे लिए सर्वोपरि है। और इनका जहां तक सस्पेंशन है, इनकी निष्क्रियता बहुत बड़ा मुद्दा रही है, मैसेज नहीं दिए ट्रैफिक को जैसा कि देना चाहिए था। ठीक है, पूर्व डीजी हमारे साथ हैं सुब्रत त्रिपाठी साहब, आप इनकी बात से सहमत हैं जितनी बातें इन्होंने कही है, क्योंकि आप भी लगातार पूरी चर्चा को सुन रहे हैं, आप इनकी बात से सहमत नजर आ रहे हैं? ऐसा है जी कि मैं पुनः पिछली बात दोहराना चाहूँगा जी कि अगर किसी भी आदमी को, मान लीजिए आप ही को इस विभाग में अपॉइंट किया गया पत्रकारिता के, अगर आपको कोई इंटरव्यू लेना हो, अगर आपको कुछ कार्य न करना हो, अगर आप किसी को डांट ना सकें, समझा ना सकें, छुट्टी ना दे सकें, हटा ना सकें, ट्रांसफर ना कर सकें, या आप किसी के कंट्रोल करना ले सकें, किसी के बारे में अच्छा है बुरा है, कोई सारी पावर छीन ले जाए अगर आपके संपादक की, तो फिर टीवी अच्छी चल रही है बुरी चल रही है, इसके लिए संपादक को उत्तरदायी ठहराना, मतलब पावर नहीं दी गई है, वो पावर है ही नहीं, तब नहीं थी, जीरो थी, पावर वाट जीरो। एक 0 वाट के बल्ब को कोई भी आदमी जब 0 वाट का बल्ब हो जाता है तो वह उदासीन होकर के कहीं चुपचाप बैठा हुआ है, कहीं छुट्टी चला गया, तो कहीं ना कहीं ये माना जाए कि पावर दी ही नहीं गई थी, घूम आएगा, टहल आएगा, आखिर रोज कमरे में बैठ के वो करेगा क्या? इसलिए अगर ये छुट्टी जाते भी रहे हो तो किसी को भी नखदंतहीन करके, किसी को सांप का सारा जहर निकाल करके, जैसे मैंने कहा कि जिस किसी के टाइम में यह पद सृजित हुआ, बेसिकली गलती उस टाइम के अधिकारियों और उस टाइम के मुख्यमंत्री की थी, और जिनके जिनके टाइम में इसमें सुधार नहीं आ पाया उनको भी कंस्ट्रक्टिवली आंशिक रूप से आप जिम्मेदार कर सकते हैं। और आज भी ऐसी हर विभाग में तमाम पोस्टें ऐसी पड़ी हैं जिनमें हाथ पैर तोड़ करके आदमी को निष्क्रिय बना दिया गया है। ऐसी पोस्टें हर विभाग में हैं जहां करने को न कोई काम है न कोई अधिकार है, और लंबा चौड़ा वेतन आदमी पा रहा है। शासन एक कमेटी बना करके, मतलब इन्हें पोस्ट दे दी गई थी लेकिन इनके पास वो पावर नहीं थी। आप ये कह रहे हैं कि इनके पास आईएएस में है जो कि 0 वाट का बल्ब है जी, जहां आदमी पेंशन ले रहा है जी, फुल पेंशन ले रहा है, मतलब इन्हें पोस्ट दे दी गई थी, इनके पास पावर नहीं थी। आप ये कह रहे हैं कम से कम 100 IAS IPS यूपी में है हु आर टेकिंग पेंशन इन ए वे ऑन फुल लीव, जो कि पूरी तनख्वाह पर पेंशन ले रहे हैं, सुबह शाम तक, हफ्ते 10 दिन में कोई एक फाइल उनके सामने। ठीक है, जयप्रकाश पांडे के लिए पोस्ट थी, पावर नहीं दी गई, तो आखिर अगर पावर नहीं दी गई है तो उसका उपयोग आखिर कैसे किया जाएगा किसी विभाग में, किसी व्यक्ति पर? आदरणीय त्रिपाठी जी ने खुद ही बताया कि ये पूर्ववर्ती सरकारें जो थी संवैधानिक संस्थाओं का आपकी सरकार आ गई, आप तो पोस्ट हम कर रहे हैं, आपने पोस्ट भी दी और पावर भी बता रहे हैं, लेकिन फिर भी नहीं बढ़ाया जा रहा है, उपाय सोचा जाए। तो सुनिए, ये पूर्ववर्ती सरकारों जो चलती थी उनका जो क्रियाकलाप था उसमें संवैधानिक संस्थाओं या प्रशासनिक अधिकारियों के अधिकार कर्तव्य किस ढंग से वो एलाट करते थे, वो निश्चित न्यायालय भी उनकी सख्त निंदा करके बता चुका। हमारी सरकार अधिकार बढ़ाने की प्रक्रिया शुरू कर दी, लेकिन मैं त्रिपाठी जी से एक चीज से असहमत हूँ, कितना भी उनको अधिकार नहीं था, वो प्रदेश के मुखिया थे ट्रैफिक के और उनका प्रोटोकॉल था, अगर वो चाहते तो एक आवेग पैदा कर सकते थे। वो निश्चित रूप से निष्क्रिय रहने के लिए उनको वेतन नहीं देती थी सरकार, उन्होंने कहीं कोई मैसेज नहीं दिया, पत्र लिख सकते थे, मुखिया को हमारे से संवाद कायम कर सकते थे, वो कहीं भी मैसेज नहीं दिए। और कुलपति क्लास नहीं लेता, लेकिन कुलपति अगर चाहे तो विश्वविद्यालय की पूरा सिस्टम सही कर देता है, पढ़ाने के पास अधिकार होते हैं। नहीं नहीं, सस्पेंशन की मैं बात नहीं कर रहा हूं, आप प्रिंसिपल को देखे होंगे, कुछ प्रिंसिपल है कि भ्रमण कर रहे हैं, भ्रमण करने से नहीं रोक सकते हैं आप, लेकिन वही कुलपति एकाध कुलपति अधिक अधिकार उपयोग कर लेते हैं। तमाम ऐसे उदाहरण भारत में है जब संवैधानिक पदों पे बैठे लोग, हमारे आदरणीय राज्यपाल साहब हैं, इनको विशेष अधिकार नहीं मिला है, इनको लेटर लिखने से कौन रोक पाता है? सारी जनता इनकी प्रशंसा करती है। मैं मानता हूं अधिकार कम था पूर्ववर्ती सरकारों के कारण, लेकिन यह निष्क्रियता नाकाबिले बर्दाश्त थी। ये निश्चित रूप से एक निष्क्रिय व्यक्ति थे, आदरणीय योगी जी ने इन पे अगर कार्रवाई की है तो तमाम साक्ष्यों के आधार पर की है और सही। ठीक है, ठीक है, समय की कमी है, माफ कीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमसे इस चर्चा में जुड़ने के लिए और बातचीत करने के लिए। तो